कुछ टीनेजर्स एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए स्कूल छोड़कर एक अंडरग्राउंड बंकर में चले जाते हैं। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वे यहाँ से निकल नहीं पा रहे थे। इसी सिचुएशन में आदमी का सच्चा रूप सामने आता है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको द होल 2001 की एक थ्रिलर मिस्ट्री हॉलीवुड मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये स्टोरी हमें अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगी जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाता है, तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिए। और बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम एक लड़की को जख्मी हालत में स्कूल में आता हुआ देख सकते हैं। वह आकर उसने पुलिस को कॉल किया और हेल्प मांगी। इस लड़की का नाम था लीज और लीज के साथ और तीन लड़के गायब थे। अब लीज मिल चुकी है तो एक बड़ी न्यूज बन जाती है। उसके साथ जो भी हुआ था इस वजह से वो बहुत ही डिस्टर्ब थी, तो उसे मिलने के लिए एक डॉक्टर आती है। इन सब के गायब होने के पीछे राज क्या था इसे जानने के लिए डॉक्टर लीज से क्वेश्चंस पूछती है। लीज कहती है, हमारे स्कूल में अगर आप पॉपुलर हो तभी आप एग्जिस्ट करते हो, बाकी लोग तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। लीज पॉपुलर नहीं थी तो उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था। फुटबॉल टीम में एक लड़का था जिसका नाम था माइक। वो बहुत ही हैंडसम था तो स्कूल की सब लड़कियां उस पर बहुत मरती थी। अभी स्कूल में सबको पता चला था कि माइक और उसकी गर्लफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, तो सब लड़कियां इसके लिए बहुत ही एक्साइटेड थी। लीज को भी माइक बहुत पसंद था, वो हमेशा उसे देखने के लिए आया करती थी। ब्रेकअप के बाद जब लीज उसे देख रही थी तो मार्टिन कहता है कि वो तुमसे कभी भी प्यार नहीं करेगा। एक्चुअल में मार्टिन और लीज ये बहुत सालों से फ्रेंड्स है। मार्टिन लीज को बहुत पसंद करता है, ये बात उसने बता भी दी थी, पर लीज उसे सिर्फ एज अ फ्रेंड समझती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं माइक अपने फ्रेंड जॉफ के साथ था। माइक को चीयर अप करने के लिए जॉफ ने कहा कि हमें वैकेशन पर जाना चाहिए, अगर वो अपने इस गर्लफ्रेंड से दूर रहेगा तो शायद वो वापस आ जाएगी। ये आइडिया माइक को भी अच्छा लगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि माइक की गर्लफ्रेंड के जिस तरीके से हेयर्स थे उसी तरीके से हेयर्स लीज को भी बनाने थे, पर सब कुछ गड़बड़ हो गई थी, ये बहुत ज्यादा खराब हो जाते तो हेल्प मांगने के लिए वो फ्रांसिस के पास आई। फ्रांसिस स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की थी। फ्रांसिस ने लीज को हेल्प तो कर दी पर वो कहती है तुम ये जो सब कर रही हो इससे माइक को कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। बेचारी लीज को बहुत बुरा लगा, वो अपने फ्रेंड मार्टिन के पास आई, सारी अपनी प्रॉब्लम्स बताती है। वो चाहती थी कि कभी ना कभी तो माइक उसे नोटिस करे। मार्टिन उसकी हालत देखकर उसे हेल्प करने के लिए मान जाता है। प्रीवियस सीन में हमने देखा था कि माइक और जॉफ कहीं वैकेशन पर जाना चाहते थे पर उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करेंगे। अगर किसी वजह से उनके पेरेंट्स को और स्कूल को भी पता ना चले कि दोनों वैकेशन पर गए तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी और इस काम में मार्टिन उनकी हेल्प कर सकता है। मार्टिन कंप्यूटर्स में बहुत ही स्मार्ट है, ये स्कूल का सिस्टम हैक कर दिखा सकता है कि दोनों घर पर है और घर पर लगेगा कि दोनों स्कूल पर है। माइक और जॉफ के ग्रुप में फ्रांसिस भी थी। मार्टिन ने इन सब से बात की, कहा कि मैं तुम्हें हेल्प कर सकता हूँ पर तुम्हारे साथ तुम्हें और एक लड़की को लेकर जाना पड़ेगा, वो थी लीज। इनका प्लान था कि जब वैकेशन पर होंगे तो माइक और लीज एक साथ टाइम स्पेंड कर पाएंगे। इन सबको ऐसी जगह चाहिए थी जहां पर उन्हें कोई भी ढूंढ ना पाए। जंगल में बॉम्ब से बचने के लिए लोगों ने शेल्टर बना कर रखा था। इस शेल्टर में जाकर वो अपने आप को बंद कर दे तो उन्हें कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। अब सब लोग वहां पर पहुंच गए। मार्टिन उन्हें बंद कर दो दिन बाद लेने के लिए आएगा। पहले तो फ्रांसिस और माइक को यहाँ अंदर जाने के लिए डर लग रहा था, पर जॉब बहुत ही एक्साइटेड होकर अंदर चला जाता है तो उसके पीछे पीछे ये सब चले गए। अंदर जाकर इन्होंने लाइट्स वगैरह लगाए, इन्हें जगह बहुत पसंद आई। यहाँ पर ये गेम्स खेलते हैं, बेड लगाते हैं, खाने का कुछ सामान निकालते हैं। जॉब देखता है कि माइक ने खाने के लिए कुछ भी लाया नहीं है, इस वजह से उस पर गुस्सा था। लीज कहती कि मैंने बहुत सारा खाना लाया हुआ है, वो मुझ में से खा सकता है। इस बात की वजह से अब लीज और माइक फ्रेंड्स बन गए थे। रात में सब मिलकर एक दूसरे को हॉरर स्टोरी सुना रहे थे। जॉफ ने मजाक में कहा कि अगर मार्टिन हमें दो दिनों बाद लेने के लिए नहीं आया तो ये बहुत ही बड़ी हॉरर स्टोरी बन जाएगी। ये बात सुनकर फ्रांसिस उस पर बहुत ही गुस्सा हो जाती है, कहती है इस तरीके की बातें हमें नहीं करनी चाहिए। अब इसके बाद दो दिन बीत गए थे, सब मिलकर मार्टिन का वेट करते हैं पर वो यहाँ पहुंचता ही नहीं। फ्रांसिस इस बात पर और भी गुस्सा हो गई, कहती है तुमने अगर ऐसा बोला नहीं होता तो ये सब होता नहीं। माइक सबको संभालने की कोशिश करता है, कहता है कि शायद मार्टिन ट्रैफिक में होगा, थोड़ी देर में वो आ जाएगा, पर मार्टिन आया ही नहीं। सबने फिर ऊपर जाकर डोर को खोलने की बहुत कोशिश की पर ये बॉम्ब शेल्टर है, इसके डोर कोई भी ओपन नहीं कर सकता। ये डिस्कस करते हैं कि अब सब लोगों को पता चल गया होगा कि ये स्कूल में नहीं है, ये दो दिनों से गायब थे तो वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं, तो इस वजह से इन्हें कोई भी ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं आएगा। फ्रांसिस इन सब चीजों से बहुत डर गई थी। अब नेक्स्ट सीन में हम फिर से प्रेजेंट देखते हैं। सब पुलिस मिलकर मार्टिन को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। एक्चुअल में हुआ क्या था
अब तक किसी को भी पता नहीं है। अगले दिन डॉक्टर फिर से लीज से मिलने के लिए आए। पूछते हैं कि आगे क्या हुआ था। लीज ने कहा कि एक दिन जब मैं सोई हुई थी तब ऊपर से मैंने बंकर से शैडो आती हुई देखी। उसे लग रहा था कि मार्टिन उस पर नजर रख रहा है। उसे लग रहा था कि उसने मार्टिन को रिजेक्ट कर दिया, शायद इसी वजह से बदला लेने के लिए उसने सबको बंद कर दिया। इन सारी चीजों के बारे में उसने बताया। वो कहती है शायद मार्टिन चाहता है कि हम दोनों में झगड़ा हो जाए। वो शायद मुझे दिखाना चाहता है कि मैं और तुम शायद कभी भी एक साथ नहीं रह सकते। माइक वंडर करता है कि अगर ऐसी बात है तो मार्टिन को कैसे पता चलेगा कि हम दोनों में झगड़ा हो रहा है, हम दोनों एक साथ रह नहीं सकते। इस बात पर वो सोचने लग गए। तभी सारे रूम चेक करते हैं, उन्हें एक जगह पर माइक्रोफोन लगा हुआ मिला। वो समझ गए कि इनकी सारी बातें मार्टिन सुन रहा है। इन्होंने फिर डिसाइड किया कि नाटक करेंगे, ऐसा दिखाएंगे कि लीज और माइक में झगड़ा हो रहा है। इसे मार्टिन सेटिस्फाइड हो जाएगा और इन्हें बाहर निकाल लेगा। इस प्लान में उन्होंने सब लोगों को शामिल कर लिया। सब लोग मिलकर माइक्रोफोन के पास आकर लीज को ही ब्लेम करते हैं कि मार्टिन उसका फ्रेंड है और इसी वजह से सब लोग यहाँ पर फंसे हुए हैं। इनके सब करने के बाद अगले दिन मार्टिन ने ऊपर का डोर खोल दिया। अब तक की सारी स्टोरी लीज बता रही थी। डॉक्टर उस पर थोड़ा सा भी बिलीव नहीं करती क्योंकि उसके सारे फ्रेंड्स वहां से नहीं निकले। उस बंगर की रियलिटी कुछ अलग ही थी। लीज को ज्यादा लोड ना आए तो इस वजह से डॉक्टर उसे प्रेशराइज नहीं करती। उन्हें एक सीन में हम देखते हैं कि मार्टिन को पुलिस ने ढूंढ लिया था जिस दिन सब लोगों को उसने बंकर में बंद किया। उस दिन वो कहा था इसके बारे में उसे पूछा जाता है। मार्टिन के पास उसके पूरे डे का रूटीन था। पुलिस उस पर बिलीव नहीं करते, कहते हैं कि लीज कुछ और बता रही है। मार्टिन ने कहा कि लीज मुझे हमेशा से हेट करती है, वो स्कूल की पॉपुलर लड़की है तो उसे लगता है कि उसके सामने कोई भी मैटर नहीं करता। ये बात लीज की स्टोरी से जरा अलग थी। अब हमें रियलिटी दिखाई जाती है। एक्चुअल में फ्रांसिस और लीज ये दोनों एक दूसरे की पहले से बहुत अच्छी फ्रेंड्स थी। जैसे लीज ने बताया था कि उसे कोई भी नोटिस नहीं करता था, ऐसी बात नहीं थी। वो स्कूल की बहुत ही पॉपुलर लड़की है। जब लीज को पता चला कि माइक का ब्रेकअप हो चुका है तो अंडरग्राउंड बंकर में जाने का प्लान भी उसी का था। ये सारा प्लान उसने फ्रांसिस को बताया। फ्रांसिस जॉब की फ्रेंड थी तो इस वजह से जॉब की मदद लेकर उन्होंने माइक को भी अपने साथ आने के लिए मना लिया। पुलिस मार्टिन से सब कुछ क्वेश्चन वगैरह करते हैं पर उसके खिलाफ उनके पास कोई भी सबूत नहीं था तो उसे जाने देना पड़ता है। मार्टिन के खिलाफ उन्हें कुछ ना कुछ तो सबूत चाहिए तो इस वजह से लीज के पास डॉक्टर मिलने के लिए आई। वो लीज से पूछती है कि ऐसा कुछ ना कुछ तो चीज होगी जिसमें तुम्हें मार्टिन के बारे में लिखा होगा, इस इंसिडेंट से हमें मार्टिन को लिंक करना पड़ेगा। लीज पूछती है कि आप ये सब बातें क्यों कर रहे हो, या मार्टिन को छोड़ दिया जाएगा। डॉक्टर ने उसे सच बता दिया। लीज इस बात से बहुत ही डिस्टर्ब हो गई, कहती कि शायद अब मार्टिन मुझे मारने के लिए आएगा। वो ऐसे गुस्से में यहाँ से चली जाती है। अब हमें फिर से रियलिटी में क्या हुआ था ये दिखाया जाता है। सब मिलकर बंकर में तो गए थे पर इन्हें बाहर निकलने के लिए मार्टिन की जरूरत नहीं थी, ये खुद अंदर से बाहर आ सकते थे। अंदर जाने के बाद इनकी पार्टी स्टार्ट हो गई थी। सब मिलकर ड्रंक हो जाते हैं। जेफ को फ्रांसिस के साथ इंटीमेट होना था पर माइक को भी वो बहुत ही पसंद थी। ये दोनों मिलकर फ्रांसिस के बहुत ही करीब आने लग गए थे। ये बात लीज को पसंद नहीं आई और वो जोर से माइक को मार दिया। इस वजह से इन्होंने अपना प्लान कैंसिल कर दिया। रात में जब माइक का ध्यान नहीं था तो जॉफ और फ्रांसिस ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। माइक को जब ये बात पता चली तो इससे वो गुस्सा हो गया, कहता है कि अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। सब मिलकर उसे रोकने की बहुत कोशिश करते पर माइक मानने नहीं वाला था। लीज ने कहा कि अगर माइक जाने वाला है तो वो भी उसके साथ जाएगी, तो वो भी रेडी हो गई। वो ऊपर जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करती है पर ये डोर ओपन ही नहीं होता। सब लोगों ने मिलकर बहुत कोशिश की पर कुछ भी हो नहीं पाता। जॉफ पूछता है कि लास्ट टाइम कौन आया था और ये लीज ही थी, तो उस पर वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। सब मिलकर उसे ही ब्लेम करने लग गए थे तो वहां से लीज दूर चली गई। अब फिर से हम प्रेजेंट देखते हैं। लीज अपने घर पर थी, उसे ढूंढे ढूंढे मार्टिन उसके घर पर पहुंच जाता है। वो डर कर भागने लग गए। बहुत दूर नदी के पास मार्टिन उसे ढूंढ ही लेता है। वो उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों ब्लेम किया, सारे पुलिस मेरे पीछे पड़ गए। लीज कहती कि हमारे खिलाफ किसी के पास भी प्रूफ नहीं है, तुम ज्यादा वरी मत करो। इसके बाद लीज घर पर आ गई थी और वो बहुत रो रही थी। उसे मिलने के लिए डॉक्टर वहां पर पहुंचती है। डॉक्टर ने कहा कि मैं तुम्हें हेल्प करना चाहती हूँ पर इसके लिए तुम्हें मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा। लीज कहती कि मुझे फिर से बंकर में लेकर चलो, मुझे थोड़ी थोड़ी चीजें याद आ रही है। लीज ने डॉक्टर से कहा कि वहां से मैं माइक को इस तरीके से जाने नहीं दे सकती थी। वो जब पहले ऊपर गए तो उसने बंकर को लॉक कर दिया था। एक्चुअल में उसके पास इस बंकर की चाबी थी। अब इसके बाद कुछ दिन बीत गए थे,
इनके पास खाना और पानी ये दोनों चीजें खत्म हो चुकी थी। जॉफ सबको बताता है कि स्लोली स्लोली हमें हेडेक आने लग जाएगा, हमें चलने घूमने में भी तकलीफ होगी, अगर हमें कुछ भी नहीं मिलता तो थोड़े दिनों में हमारी डेथ भी हो सकती है। ये सारी चीजें सुनने के बाद लीज खुद ही नाटक करने लग गए, खुद रोने लग जाती है। माइक आकर उसे सहारा देता है तो उसे बहुत अच्छा लगा। अब एक दूसरे के करीब आने लग गए थे तो एक दिन माइक और लीज इंटीमेट हो जाते हैं। अचानक से फ्रांसिस की तबीयत भी बहुत खराब होने लग गई थी, पर इस बात से लीज को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। वो माइक के साथ यहाँ पर बहुत ही खुश थे, तो फ्रांसिस बीमार है इस वजह से यहाँ से वो निकलना नहीं चाहती। उसे जितना टाइम मिल पाए उतना टाइम वो माइक के साथ स्पेंड करना चाहती है। एक रात लीज नींद से जग गए, वो फ्रांसिस को ढूंढने की कोशिश करती है पर उसे कहीं भी नहीं मिलती। उसने जाकर देखा तो खून की उल्टियां कर फ्रांसिस की डेथ हो चुकी थी। लीज बहुत जोर से चिल्लाए। जॉफ को जब पता चला तो लीज को वो ब्लेम करता है। माइक ने इन दोनों को संभाल लिया और इनके पास पीने का पानी बहुत ही कम था, खाने के लिए तो कुछ भी नहीं था। सबकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी। लीज रियलाइज करती है कि माइक और उसका बॉन्ड अब बहुत ही स्ट्रांग है, अब यहाँ से निकल सकते हैं। माइक को वो सब बात अब बताने वाली थी, उसे वो बता रही थी कि उसके पास चाबी है। तभी अचानक से माइक ने जॉफ को सोडा की बॉटल ओपन करते सुना। जॉफ के पास ये बॉटल थी और वो सबसे छुपा रहा था। इस बात से माइक बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। अपनी भूख की वजह से उसने अपने माइंड का कंट्रोल लूज कर दिया था। वो मार मार कर जॉफ को मार डालता है। अभी अभी लीज उसे जो भी बता रही थी इस पर उसका थोड़ा भी ध्यान नहीं था। ये मर्डर करने के बाद वो और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो गया। सारी चीजें देखकर लीज को बहुत बुरा लग रहा था, वो भी अब जीना नहीं चाहती थी। वो माइक से कहती है कि हम दोनों यहीं पर सुसाइड कर लेते हैं, पर माइक ने कहा कि हम इतने दिनों तक जिंदा रहे, कोई ना कोई हमें ढूंढ लेगा, हमें डट कर इस मुसीबत का सामना करना चाहिए। अब इसके बाद माइक जब सो रहा था तो लीज ऊपर जाकर इस बंकर को खोल लेती है। माइक की नींद खुलने के बाद वो देखता है तो लीज से पूछता है, तुमने ये सब किया कैसे? लीज कहती कि मेरे पास हमेशा से चाबी थी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी। माइक उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे फ्रेंड को मारना पड़ा। ये गुस्से गुस्से में ऊपर आ रहा था तभी सीढ़ी टूट जाती है, टूट कर माइक के पेट में घुस गए और वहीं पर उसकी डेथ हो गई। ये सारी चीजें लीज ने डॉक्टर को बता दी और ये सच भी थी, क्योंकि डॉक्टर को सबकी डेड बॉडीज मिली थी। अब डॉक्टर लीज से कहती है तुम्हें सारी चीजें पुलिस को बतानी पड़ेगी, एक स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा। लीज कहती कि मैं ऐसा क्यों करूंगी, ये सिर्फ एक एक्सीडेंट था, इसमें मेरी कोई भी ज्यादा गलती नहीं है। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा क्योंकि मार्टिन ये सब चीजें कन्फर्म कर सकता है। लीज इस पर जरा सोचती है तो हमें पता चलता है नदी के पास लीज ने मार्टिन को मार डाला था। यहाँ पर पुलिस पहुंच गए और उन्हें लगता है कि सब मार्टिन ने ही किया था, क्योंकि मार्टिन के कपड़ों में उन्हें चाबी मिली थी, ये लीज ने उसे मारने के पहले डाल दी थी। अब रियलिटी में जो हुआ था इसके बारे में सिर्फ लीज और डॉक्टर को बताया, पर डॉक्टर इसे प्रूव नहीं कर सकती। पहले लीज ने पुलिस को जो स्टोरी बताई थी इसे ही वो सच मान लेते हैं और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। इस मूवी में प्यार एक ऑब्सेशन में बदल जाता है। लीज का सब कुछ गलत करने के बाद भी उसे लग रहा था कि प्यार की वजह से सब वर्थ इट है। एक बहुत ही डार्क एंडिंग के साथ ये मूवी एंड होती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिएगा। मैं बहुत सारी मूवीज लेकर आता रहता हूँ तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकॉन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिएगा।